देवभूमि कुल्लू जिला में देवी देवताओं के सम्मान में देव परंपराओं का निर्वहन साल भर किया जाता है। ऐसे में भाद्रो मास को काला महीने के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में एक महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। कुल्लू जिला मुख्यालय में देवता वीरनाथ गौहरी ने बुरी शक्तियों के प्रभाव को रोकने के लिए क्षेत्र की परिक्रमा की। इस दौरान महंत बहेड़ में करानी सोह में जोगणी माता के स्थान पर देवता पहुंचे, जहां पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद देवता के गुरु द्वारा बिच्छू बूटी के साथ देव खेल की जाती है। इस दौरान उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को बिच्छू बूटी का प्रसाद भेंट किया जाता है। मान्यता है कि बिच्छू बूटी के प्रसाद से श्रद्धालुओं की बुरी आत्माओं से रक्षा होती है। देवता वीरनाथ गौहरी के कारदार राजकुमार ने कहा कि देवता वीरनाथ गौहरी के सम्मान में हर साल भादुरी संक्रांति पर क्षेत्र की परिक्रमा की जाती है और हर घर में श्रद्धालुओं की श्रद्धा अनुसार धूप पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से लेकर बुजुर्गों द्वारा जो देव परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भी इस देव परंपरा का निर्वहन इसी तरह से किया जाएगा। जो कि आज देवता हर साल की भांति जो है देवता अपने हाल ही में परिक्रमा को निकले हैं, जो कि अपने हाल के घर घर जाकर जो है सारे भक्त जन जो है देवताओं को धूप देते हैं। इस परिक्रमा को जो है हर साल जो है सजाया जाता है और ये निकलते सुबह लोग ढालपुर से होके ढालपुर होकर अपने गुरबेड़ होकर बालाबेड़ गुरबेड़ मियाबेड़ मुठबेड़ से होकर हनुमानी वाला घर घर जाता है देवता और साक्षात श्रद्धालु जो है सारे घर में अपने थाली धूप निकाल कर जो है देवता का आशीर्वाद लेते हैं। सुख शांति की सब अपनी कामना करते हैं देवता सबको जो है सुख शांति के लिए मिलते हैं। और शाम को जो है यहाँ देवते को जो है हमारा जो है जैनी साझा के नाम से जो है मनाया जाता है, जो कि शाम को यहाँ ढालपुर में मंदिर डेरे के बाद जो है शाम को कोई सात साढ़े सात आठ बजे जो जैनी प्रक्रिया जो जैनी को छाया जाता है भूत को छा कर चलाया जाता है। इस परिक्रमा को इस तरह चलाया जाता है। ये हमारी सदियों से चली हुई वही है, मतलब जो भाद्रों को साझा जो है जो भी है बुरी शक्तियों को जो है इस भाद्रों को साझा में जो गाया जाता है ताकि हर हरियाण में सुख शांति के लिए ऐसी कोई भूत प्रेत की कोई वो ना आए उसको जो है देवता दूर बुलाते हैं इस तरह। और ये हर साल किया जाता है ताकि ऐसी परिक्रमा ना कभी आए और अपने हरियाणा में जो है सुख शांति रहने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है।